जनपद हापुड़ के अस्पतालों पर लगातार विवादों का कलंक लगता जा रहा है। ताजा मामला सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का है, जहां सैकड़ों इंटर्नों ने सरस्वती प्रशासन के खिलाफ स्ट्राइक कर दी और नारेबाजी की। गुरुवार की सुबह 10 बजे कई सौ इंटर्न अनवरपुर में स्थित सरस्वती अस्पताल में इकट्ठा हुए और ओपीडी बंद करा दी। अपनी तीन मांगों के समर्थन में इंटर्नों ने अस्पताल को जमकर कोसा और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। स्ट्राइक के तीन घंटे बीतने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने सभी छात्रों से बात करना मुनासिब तक नहीं समझा। Brainwaves International School. For admission, call 8791-258181, 8279-806606. छात्रों ने अस्पताल पर कई आरोप लगाते हुए सिम्स पर लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। मैं सरस्वती मेडिकल कॉलेज में इंटर्न हूँ। हमारी तीन डिमांड्स हैं। पहली है कि हमसे एक्स्ट्रा 4,12,500 रुपये लिए गए हैं धोखाधड़ी से, जो इन्होंने अभी तक हमें नहीं लौटाए हैं। हमारी दूसरी डिमांड है कि जनवरी में 7500 से हमारा जो स्टाइपेंड था वो 12,000 किया था, बट ये हमें फिर भी 6,000 देते हैं। और हमारी थर्ड डिमांड है कि जो कोविड में जो ड्यूटी करते हैं उसके लिए जो हमें अलाउंस मिलता है वो ये लोग हमें नहीं देते हैं। इसलिए कोविड में ड्यूटी कराते हैं और हम लोगों को जो सरकार ने पैसे स्टाइपेंड जो बोला गया है वो नहीं देते हैं, और जो हमारी स्टाइपेंड है वो भी ये लोग पूरी नहीं देते और ना ही टाइम से देते हैं। और उसके अलावा जो हमसे एक्स्ट्रा धोखाधड़ी से इन्होंने एग्जाम के नाम से हमसे फीस ली थी 4,12,500, वो भी इन्होंने हमें नहीं लौटाई है। कई सौ छात्रों ने अस्पताल के खिलाफ मोर्चा खोला। उनका कहना है कि अस्पताल ने उनसे कोविड में ड्यूटी तो करा ली लेकिन भत्ता नहीं दिया, और सरकारी आदेशों के बाद भी छात्रों का पूरा स्टाइपेंड भी नहीं दिया जा रहा है। मैं सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हापुड़ में मेडिकल इंटर्न हूँ, MBBS 2016 बैच। हमारे साथ हमारी तीन मांगे हैं। एक, हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। जो हमारी फीस थी वो प्रति बच्चा 4,12,500 रुपया ज़्यादा लिया गया है, हमसे सरकारी आदेश छुपाया गया और जो बढ़ी हुई फीस थी वही ली गई। दूसरा, जो सरकार द्वारा आदेश दिया गया था, जो हमारा मासिक स्टाइपेंड या मासिक भत्ता 7,500 रुपये से बढ़ा के 12,000 किया गया था, वो नहीं दिया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन सिर्फ और सिर्फ मात्र 6,000 रुपया देने के लिए राजी है, वरना मना कर रहा है, कह रहा है जो करना है कर लो। तीसरी मांग, कोविड भत्ता, जो सरकार ने प्रति इंटर्न कोविड में काम करने वालों को 500 रुपया रोज़ देने की मांग की थी, आदेश दिए हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर भी हैं, वो नहीं दिए जा रहे हैं। एक रुपया नहीं दिया गया उसका, कोविड में काम करवाया गया इंटर्न से मगर पैसा कुछ नहीं दिया गया। ये तीन हमारी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हमने अपने जिलाधिकारी से भी बात की मगर वहाँ से हमें कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला। ये प्रॉब्लम ये है, हम सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के इंटर्न्स हैं। हमें यहाँ पे सरकार द्वारा 12,000 स्टाइपेंड तय किया गया है और कॉलेज वाले ज़बरदस्ती हमें 6,000 दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। हमने इसकी कंप्लेंट भी करी DM को भी, CMO को भी, 15 दिन हो गए हैं, कोई एक्शन लिया नहीं गया है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे हैं। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी तब तक सरस्वती कॉलेज की OPD बंद रहेगी। छात्रों ने अस्पताल में ज़बरदस्त हंगामा किया और सिम्स के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने अस्पताल के खिलाफ नारे लगाए। छात्रों का कहना है कि उन्होंने कई बार अस्पताल से इसकी शिकायत की लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। अस्पताल लगातार छात्रों को टरकाता रहा और सरकारी नियमों की अनदेखी करता रहा। छात्रों का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की लेकिन अभी तक किसी ने कार्रवाई नहीं की है।